माता पिता की दोहरी हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। ये वारदात बुधवार की रात्रि हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के अंतर्गत आने वाले सुनाई में हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पुत्र को रात्रि में ही हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार आरोपी युवक सरोज 20 वर्ष रात्रि के दौरान किसी बात को लेकर हुए मामूली विवाद के दौरान 64 वर्षीय पिता रूपचंद्र और 60 वर्षीय मां कविता मेशराम पर घर में रखे कृषि उपकरण कुदाली और फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र द्वारा किए गए हमले में घायल माँ की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक सन की प्रवृत्ति का है और कोई काम धंधा नहीं करता था। दो भाइयों में आरोपी युवक छोटा भाई था, जबकि बड़ा भाई दैनिक मजदूरी का काम करता है। घटना के बाद आरोपी के बड़े भाई मनोज का कहना है कि छोटे भाई आरोपी सरोज मेशराम मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आरोपी युवक के आसपास रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की माने तो रात्रि में सनकी युवक घर में रखे सामानों को तोड़फोड़ कर रहा था। इस दौरान आरोपी ने मां से रुपए पैसे की मांग की तो मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस दौरान मां से गाली गलौज करते ही लकड़ी से मारपीट करने लगा। बीच बचाव के लिए पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने डांट डपट कर उसे समझाइश दी। इतने में ही सरोज का पिता मौके पर पहुंच गया, जिसने बेटे को लेकर पड़ोसियों से तीखी नोकझोंक की। लेकिन जैसे ही पिता रूपचंद घर के अंदर घुसा, सरोज ने दरवाजे बंद कर दिए और माता पिता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेरहमी से किए गए हमले में रूपचंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर हालत में उसकी पत्नी कविता को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि रूपचंद के बड़े बेटे मनोज की मौजूदगी में जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए गए। गिरफ्तार आरोपी युवक को पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इधर इस दोहरी हत्या के मामले में हट्टा थाना प्रभारी विजय सनस ने बताया कि आरोपी गुस्सैल सन की प्रवृत्ति का है। घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर फावड़ा, कुदाली और डंडा पड़ा था। शव बरामद कर पीएम उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। कल रात में लगभग 6:30-7 बजे के करीब हट्टा थाना अंतर्गत जो सिंगोड़ी पंचायत है, उसमें गुनई गांव के तहत एक तथाकथित मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक द्वारा अपने माता और पिता दोनों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पिता के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता जी का देहांत आज जिला अस्पताल बालाघाट में सुबह में उपचार के दौरान हुआ है। आरोपी को कल शाम में ही राउंडअप कर लिया गया था और इसमें जो भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके आधार पर विवेचना जारी है। असल में मौके से कुछ घरेलू हथियार बरामद हुए, काफ़ी संशय की स्थिति बनी थी, कौन सा औजार इस्तेमाल किया गया? इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उसके पास जो गैती या फावड़ा था, उससे उसने अपने परिजनों पे वार किया है। बाकी जब उससे हम लोग और विस्तार से बात करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी।